हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माय हॉबी अड्डा में। तो दोस्तों, होली आने वाली है तो मैं पापड़ बनाने लगी हूँ। मैंने आज बनाई है चावल की खिचड़ी, तो चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ चावल की खिचड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिया है टूटे हुए चावल, जो छोटे छोटे से एकदम टूट जाते हैं ना, वो वाले चावल मैंने लिया है। इसको मैं कुकर में उबालूंगी अच्छे से। तो जैसे ये मैंने आधा किलो चावल लिया है, इसे तीन गुना पानी रखना है। तो मैंने कुकर में पानी डाल दिया है, इसमें मैंने पहले चावल पकाया था, उसी में मैं ये पकाऊंगी। ये भी चावल ही है, तो मैंने इसको धोया नहीं है, तो ये वही है। तो इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है और दो चम्मच नमक डाल दिया है, और ये थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दिया है। इसको ये जब अच्छे से पानी खोल जाएगा, तब इसमें चावल डालूंगी धो के। तो मैंने चावल को अच्छे से साफ कर लिया है, अब धो के इसमें जब ये पानी खोलने लगेगा तब इसमें चावल डालूंगी। तो दोस्तों, मैंने चावल धो लिए हैं, ये देखिए चावल अच्छे से धो लिया है। अब इसको मैं पानी में डालूंगी, पानी खोलने लगा है, और उसके बाद में थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल आप कोई भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है, आप कोई भी डाल सकते हैं, सरसों का डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल डल जाएगा तो ये अच्छे से बनाते बनेंगी खिचड़ी। तो अब मैं यहाँ पे ढक्कन लगा के थोड़ा सा पानी जब खुल जाएगा उसके बाद में तेल डालूंगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के उसके बाद में बंद कर दूंगी। बंद करके तीन चार सीटी लगाऊंगी इसमें, क्योंकि चावल को अच्छे से गला देना है, बिल्कुल गल जाना चाहिए चावल, तभी खिचड़ी अच्छे से बनेगी। तो मैंने ढक्कन अब लगा दिया है, तीन चार सीटी लगाऊँगी। चार सीटी तो आनी चाहिए, क्योंकि चावल अच्छे से बिल्कुल गल जाने चाहिए। जैसे गीली गीली खिचड़ी बनाते हैं ना, उससे भी गीला बनाना है। तो चावल मेरे पक गए हैं, मैंने उतार लिया है, देखिए सीटी आने के बाद में ये ऐसे हो गए हैं। अब क्या करना है, एक चमचा लेना है, चमचे से इसको अच्छे से मैश करना है, मतलब एकदम महीन महीन हो जाना चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, अच्छे से खूब घोट घोट के दोनों हाथों से। ये देखिए चावल बहुत अच्छे से एकदम गल चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको मैं अच्छे से पूरा घोट लूँगी, ताकि ये चावल अच्छे से एकदम महीन महीन हो जाए, तो बनाते बनेंगी खिचड़ी। तो देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसको घोट लिया है, ये ऐसा हो गया मिश्रण। अब चलिए छत पे चलते हैं, धूप बहुत तेज़ आई है आजकल, धूप बहुत बढ़िया हो रही है पापड़ बनाने वाली। होली का सीज़न चल रहा है, थोड़े दिन में होली है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पन्नी ली है, ये नमकीन की पन्नी है। इसमें थोड़ा सा छेद करके, कोने में छेद करके, तब इसमें यही चावल में भर दूंगी। भरने के बाद में कोई भी शेप दे दीजिए, कचड़ी में भी तो कोई भी शेप दे दीजिए, कैसे भी बना दीजिए, जलेबी की तरह बनाइए, कोई भी सब अक्षर बना दीजिए, अल्फाबेट का या भी कुछ भी बना दीजिए, इसमें कोई शेप नहीं है। तो मैं इस तरह से कचड़ी बना लूँगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए, मैंने बना दिया है खिचड़ी, इतनी सारी पन्नी पे मैंने इसको डाला है, थोड़ी पन्नी पे डाला है, थोड़ी कपड़े पे डाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।